हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के पंद्रह अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है पांच की विपरीत संख्या ज्ञात करें पांच के विपरीत संख्या ज्ञात करें देख रहे हैं हमारे पास डाइस का रिलेटेड एक प्रश्न है इसमें पांच के अपोजिट बताना है इसके लिए चार ऑप्शन दी गई है और भी प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा ठीक है और भी प्रश्न है दिए गए चित्र में कितने वृत्त है यही बताना है हमारे पास ये आकृति जो दिख रहा है इस आकृति में टोटल कितना वृत्त है यही हम लोगों को बताना है ठीक है और ये पार्ट नंबर हम लोगों का बासठ है दोस्तों जिसने पार्ट नंबर इकसठ तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है और एनालॉजी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन है जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है ठीक उसी प्रकार दर्जी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा यही हमें बताना है ठीक है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त यहाँ देखिए सबसे पहले हम सभी लोग बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि जो लेखक होता है वो बुक लिखता है तो जो लेखक होता है वो लिखने के लिए किस चीज़ का यूज करता है कलम का यूज करता है ये बात समझ रहे हैं लेखक कुछ भी लिखने के लिए कलम का यूज करता है उसी प्रकार जो दर्जी है ना वो दर्जी किसका प्रयोग करता है सुई का प्रयोग करता है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जैसे देख रहे यहां पर सी और डी इनका जो रिलेशन है वो जी ए से है उसी प्रकार पी क्यू का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है सी और डी है इनको उसने क्या बनाया है जी और ए बनाया है सी डी को जी ए बनाया है और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग पी क्यू का जो रिलेशन है वो क्वेश्चन मार्क से दिया है और क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा लेटर आएगा हम लोगों को बताना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे साथियों यहाँ सी से जी बनावेंगे तो इसमें क्या करना होगा सी का स्थान तीन होता है अंग्रेजी बरमाला में सी का स्थान तीन होता है जी का सात होता है तो तीन से सात बनाने के लिए प्लस का चार किया जाएगा बिल्कुल सही बात है अब देखो डी से ए बनाने के लिए क्या करना होगा डी का स्थान अंग्रेजी बरमाला में चार होता है और ए का एक होता है चार से एक बनाने के लिए माइनस तीन किया गया है सिमिलरली यहाँ पर भी हमें करेंगे जो पहला लेटर है इसमें हम लोग प्लस का चार करेंगे और जो दूसरा लेटर है इसमें हम लोग माइनस का तीन करेंगे बिल्कुल अब देखो यहाँ पी का अंग्रेजी बर्माला में जो स्थान होता है वो सोलह होता है सोलह में चार को जोड़ेंगे तो बीस हो जाएगा अब बीसवें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे भाई वो टी होता है ठीक है और देखेंगे यहाँ क्यों का स्थान सत्रह होता है उसमें से तीन घटाएंगे सत्रह में से तीन घटाएंगे चौदह बचेगा और चौदहवें नंबर पे जो लेटर होता है मेरे भाई एन होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा टी और एन और टी और एन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया ठीक है मेरे भाई चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए अब अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है और इसमें देखना है मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से आएगा तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए चलिए हम बताते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है हम बता रहे हैं आपको देखो यहाँ देख रहे हैं सारे जगह ये नीचे वाले नंबर बारह है है ना जो तीसरी पंक्ति में दिया गया है यही नंबर बारह दिया गया है इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स है इसको ऊपर से नीचे यानी कॉलम मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा और कॉलम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखो हम देख रहे हैं ऐसा पहला जो कलम है ये तीनों में ये पहला जो कलम वाला है इसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं क्या इन दोनों को गुना करके तीन से भागा करेंगे तो दो सौ बावन आ जाएगा करते हैं कैसे यहाँ करते हैं हम लोग बयालीस गुना अठारह अब भाग में अपने मन से तीन से भाग कर देना है इसको जब करेंगे सॉल्व ना इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो जानते हैं कितना देखो तीन से इसको काटेंगे अब बारह हासिल कितना एक छुकाओ चौबीस एक पच्चीस बिल्कुल दो सौ बावन आ गया सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों को भी गुना करके तीन से भाग करेंगे यहाँ पर क्या है सैतीस और गुना है चौबीस अब भागा तीन इनको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई इसको करके देखते हैं तीन से इसको काटेंगे आठ बार में आठ से गुना करेंगे आठ सत्य छप्पन के छब हासिल कितना पाँच आठ तिर की चौबीस पाँच कितना उनतीस दो सौ छानबे यहाँ भी दिया गया है ऐसा ही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा तो यहां पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और छत्तीस को गुना करके तीन से भागा करेंगे तो 540 आ जाएगा तो हम यहां पर करते हैं जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर हम x मान लेते हैं और गुणा यहां पर कितना मान लेते हैं 36 मान लेते हैं अब बटा में हम लोग यहां पर तीन कर देते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो 540 आ जाएगा ठीक है अब देखो यहां इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले 3 से इसको काटेंगे हम लोग 12 बार में 12 36 अब देखो मेरे भाई एक्स गुना बारह बराबर कितना आ गया 540 तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इधर एक्स के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक्स रुक जाएगा जो 540 है यहाँ पर जो 540 लिखा हुआ है इसको बारह से हम लोग भागा करेंगे ठीक है बारह से भागा करेंगे और बारह से जब हम भागा करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा बारह से भागा करेंगे तो बारह चौका अड़तालीस हो गया, इसका कर सकते हो पैतालीस इसके जगह पे रख देना और इन दोनों को गुना करके तीन से भागा करोगे तो बिल्कुल पांच सौ चालीस आ जाएगा ठीक है तो बारह ही बढ़िया प्रश्न था आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए तैयारी को मजबूत बनाइए चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दिए गए चित्र में कितने वृत्त है देखो दिए गए चित्र में कितने वृत्त है मेरे दोस्त देखो हम आपको बता देते हैं त्रिभुज काउंट करने के लिए ट्रिक होता है चतुर्भुज काउंट करने के लिए ट्रिक होता है स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए ट्रिक होता है लेकिन मेरे दोस्त वृत्त करने काउंट करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होता है जानते हैं का है क्योंकि वृत्त जो है किसी भी आकृति को मिलाकर नहीं बनता है वृत्त तो अपने आप में एक आकृति होता है तो इसको काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक नहीं है और इसका ट्रिक होता भी नहीं है तो इसको सिंपल भाषा में काउंट कर लेते हैं तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे देखो सबसे पहले ई बिचुआ में छोटका को काउंट करो

समझ रहे कैसे बीच में आ गया ये सात गो आ गई बारका का आ गया आठ गो ठीक है अब देखो अभी बाहर बाहर जो छोटा छोटा दिया गया है इसमें हम लोग काउंट कर देते हैं देखो इसको काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एक बारह बारह हो गया आएगा ई पूरा बारह वाला ये पूरा बारह वाला कितना हो गया मेरे भाई तेरह हो गया बस आठ में तेरह को हम लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आठ में तेरह को जोड़ेंगे तो तेरह को आठ को इक्कीस हो जाएगा और इक्कीस कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है ठीक है तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे एक बार और हम अपने मन से आपको समझाते हैं देखो वृत्त हम लोग काउंट कैसे का करते हैं इसमें कोई नया ट्रिक नहीं लगता है बेसिक इसको काउंट कर लिया जाता है जितना दिखता है उतना वृत्त होता है तो सबसे पहले इस जो छोटका वृत्त बीच में बनाया हुआ है इसमें त्रिभुज कितना हम लोग कितना है ये काउंट करेंगे तो ये पूरा बारह वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बिल्कुल एगो ये पूरा बारह वाला बनेगा अच्छा इसके भीतर कितना है इसको काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छो ये सात सात गो हो गया एगो ये बारह वाला मिलके कितना हो गया आठ तो यहाँ से आ गया कितना आठ गो हो गया प्लस और हम प्लस करेंगे यहाँ देखेंगे अभी छोटका छोटका को काउंट कर लो छोटका काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हो गया आएगा ये बारह वाला में होगा कि बारह वाला को भी तो काउंट किया जाएगा बिल्कुल बारह को आए को बारह वाला तेरह को और तेरह आठ कितना इक्कीस फिर से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे काउंट किया जाता है मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न को रटिए नहीं मेरे दोस्त ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जिस प्रकार चौदह का रिलेशन दिया है दो सौ दस से उसी प्रकार सोलह का रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा चलिए तो यहाँ पर लॉजिक को हम लोग ढूंढते हैं देखो चौदह जो है ना इस चौदह से दो सौ दस कैसे बना है इसको जाँचेंगे हम लोग ठीक है चौदह से दो सौ दस कैसे बना है उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे भाई उसी प्रकार पर जो सोलह का रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से तो यहाँ पर लॉजिक को ढूंढ लेंगे सबसे पहले देखेंगे कि चौदह से दो सौ दस कैसे बन सकता है चौदह से दो सौ दस कैसे बन सकता है देखेंगे कि इसको चौदह को अगर चौदह को हम पंद्रह से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा गुना करके देखते हैं चौदह को गुना कर दे पंद्रह से तो पंद्रह चौका साठ के जीरो हासिल कितना छ पंद्रह एकम पंद्रह छह इक्कीस यानी कि दो सौ दस आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया बात है तो उसी प्रकार यहाँ सोलह को भी पंद्रह से गुना करना होगा तभी तो आंसर आएगा तो सोलह को पंद्रह से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे सोलह पचे अस्सी के जीरो हासिल कितना आठ सोलह एकम सोलह आठ कितना हो जाएगा चौबीस तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है 240 ऑप्शन नंबर बी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बस हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में ठीक है चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें हमारे पास ये आके क्वेश्चन जो है एस एस सी से लिया गया है मेरे भाई देखो ये क्वेश्चन में क्या है शंकु है बेलन है त्रिभुज है और घन है ये चारों में कौन सा अलग है देखो हम लोग शंकु को जान रहे थ्री आकृति है बेलन भी थ्री आकृति है घन भी थ्री आकृति है जबकि ऑप्शन नंबर डी टू आकृति है ई है टू आकृति ये थ्री डी आकृति आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ये भी क्या है थ्री डी आकृति है और ये भी क्या है थ्री डी आकृति है जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो टू डी आकृति है इसलिए अलग हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग है ऑप्शन नंबर डी ठीक है अच्छा जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को अभी लाइक जाके करेंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और e, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो इस क्वेश्चन में उत्तर जो होता है मेरे बाबू वो ऊपर होता है।, बात सब जानता है अच्छा जब कोई व्यक्ति उत्तर यानी ऊपर की तरफ ताक रहा होता है उत्तर ऊपर होता है तो उत्तर की तरफ जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका जो दाया होता है वो हमारा दाया जो होता है उसका भी दाया होता है और जो हमारा बाया होता है वो उसका भी बाया होता है इस क्वेश्चन को, को, को सब कोई इस पॉइंट को सब कोई जानेंगे जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर में हमेशा उत्तर होता है और यहां पर जो हमारा दाया होता है वो उसका भी दाया होगा और जो हमारा बाया होगा वो उसका भी बाया होगा चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है यूं एस और पी के बगल में बैठा है ये डेफिनेट पॉइंट नहीं है अच्छा लोग कितने तीन तीन व्यक्ति है तो सबसे पहले व्यक्ति को हम बैठावेंगे और इसको हम यहाँ पर पॉइंट जो है यू एस, देखो, यू एस एस देखो और पी के बगल में बैठा है ये एक हमारा पॉइंट है है लेकिन डेफिनेट नहीं यहाँ से देखो पी क्यू के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है और क्यू किसी भी सिरे पर बैठा है क्वेश्चन को समझिये ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू के बाय दूसरे स्थान पर है पी क्यों के बाया दूसरे स्थान पर है और क्यों किसी भी सिरे पर बैठा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक दो तीन चार और एक हो गया पांच और एक हो गया ठीक है इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग बिल्कुल छह व्यक्ति हैं अच्छा ये छह व्यक्ति जो है इसका दाया हो जाएगा ई साइड में इसका जो बाया हो जाएगा वो ई साइड में हो जाएगा इसका बाया हो जाएगा इस साइड में दाया हो जाएगा उस साइड में आया बाया हो जाएगा इस साइड में ये बात को जानते हैं आप लोग सब कुछ अब देखो मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट है जो पी है वो क्यों के बाएं दूसरे स्थान पर है और क्यों भी क्यों किसी एक छोर पर है तो या तो क्यों यहाँ बैठेगा या फिर क्यों यहाँ बैठेगा अगर मेरे भाई क्यों यहाँ पर बैठेगा तो इसके बाएं कभी भी पी नहीं आ सकता तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि क्यों जो है यहीं पर बैठेगा ठीक है तो क्यों यहाँ पर बैठ गया तो इसके दूसरे स्थान पर पी बैठा है बाएं बगल में एक दो दूसरे स्थान पर पी बैठा है तो पी आ गया यहाँ पर अब देखो भाई पी आ गया यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ा था यूं यूं जो है एस और पी के बगल में बैठा तो पी के बगल में यूं यहाँ भी बैठ सकता है तो पी के बगल में यूं अगर यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ पर यहाँ पर तो आ नहीं सकता इसीलिए मेरे भाई यूं यहाँ पर बैठेगा और जो है ना वो पी के भी बगल में हो गया आ एस के भी बगल में बनाना है इसीलिए एस को यहाँ पर बैठाएंगे तो यूं पी और एस दोनों के बगल में बैठ गया यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखो तो बताए कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है तो बताए कि दूसरे स्थान पर बाएं सिरे से कौन है हम इसका आंसर यहाँ पर बाएं इधर है तब से दूसरे स्थान पर एक और एक दो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है एस बैठा है इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया हम क्वेश्चन को पूरा नहीं बनाए तो भी आंसर दे दिए लेकिन हम क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में हम ऐसे करेंगे यहाँ हमें पूरा बनाने की क्वेश्चन आवश्यकता थी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाएं से दूसरे व्यक्ति को पूछा गया है आप बाएं से दूसरा व्यक्ति यहाँ पर एस ऑलरेडी आ चुका है अब देखो अपने मन से यहाँ पर भरना है कि क्या आएगा आपने मन से यहाँ पर भी भरना है क्या आएगा देखो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो एस आ चुका है बिल्कुल सही बात है टी आ चुका है बिल्कुल सही बात है क्यों आ चुका है बिल्कुल सही बात है आर और टी नहीं आया है अगर टी यहाँ पर बैठेगा तो आर बैठेगा यहाँ पर अगर टी यहाँ पर बैठेगा तो आर बैठेगा यहाँ पर तो ई दोनों में कन्फर्म नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा लेकिन इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है टी आर टी और आर में से यहाँ भी कोई बैठ सकता है और टी आर में से यहाँ भी कोई बैठ सकता है हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर एस है अगर इसको हम नहीं बैठाते तो भी आंसर हमारा आ जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन को रटिएगा नहीं मेरे भाई क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आजकल जो एग्जाम होने वाला ना है बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यदि एस का अर्थ है गुना यहां पर लिख ही लेते हैं देखो क्वेश्चन क्या है एस का अर्थ है गुना एस का अर्थ है गुना भी का अर्थ है घटाओ भी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जो जहाँ भी एम है उसके अर्थ क्या है एम का अर्थ है जोर और एल का अर्थ है भाग बहुत बढ़िया एल का जो अर्थ है वो क्या है भाग है अब इन यहाँ पर जो इस समीकरण दिया गया है इस समीकरण में इस सिंबल को यूज करके हम आंसर निकालेंगे यहाँ पर क्या है चौवालीस है चौवालीस के बाद में क्या है एल है तो एल के जगह पे हमें भागा लेना है ग्यारह ग्यारह के बाद एस है एस के जगह पे हमें गुना लेना है कितना है उसके बाद सात है उसके बाद भी है भी के जगह पे माइनस लेना है ये बात समझ रहे हैं उसके बाद क्या है भी के जगह पर क्या लेना है माइनस लेना है फिर से सात है उसके बाद एम है एम के जगह पे प्लस लेना है उसके बाद नो ये बात को समझ रहे हैं आप लोग अब तुम इनको सॉल्व करो बोडमास के तरीका से अब बोडमास क्या कहता है मेरे भाई सबसे पहले भाग का काम होगा उसके बाद गुना का तब प्लस का तब माइनस का तो सबसे पहले भागा यहाँ पर है तो सबसे पहले भाग का काम होगा चौवालीस को एगारह से भाग करेंगे कितना होगा भाई चार होगा आ गुना यहाँ पर सात रहेगा ऐसे ही ठीक है माइनस का सात ऐसे ही ठीक है और प्लस का नौ ऐसे ही ठीक है अब हम देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे अब हम गुना का कार, काम करेंगे तो चार गुना सात कितना हो जाएगा अट्ठाइस हाँ हो जाएगा चार गुना सात कितना हो जाएगा अट्ठाईस हाँ हो जाएगा बीच में माइनस का सात प्लस ओ माई गॉड यहां पर देखेंगे <coughs> हाँ बिल्कुल सही बात है यहाँ पर हो गया ठीक है माइनस का सात प्लस का नौ अब हम इनको सॉल्व करेंगे देखो यहां प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो तब जाके तुम माइनस को घटाओ तो देखो अट्ठाईस में नौ को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई सैंतीस हो जाएगा और सैतीस में से हम लोग घटाएंगे सात तो सैतीस में से सात घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई तीस बचेगा और तीस कौन सा ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तो मेरे दोस्त इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास ठीक है? यहाँ पर एक काफी रिपीटेड प्रश्न है इस वेराइटी के आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है इस तरीके के प्रश्न ठीक है ना चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है पांच के विपरीत संख्या ज्ञात करें काफी इम्पोर्टेंट मेरे भाई ये क्वेश्चन है इसमें बताना है कि पांच के विपरीत संख्या बताइए तो सबसे पहले देखेंगे जब डाइस के दो या दो से अधिक आकृति दी जाती है तो उसमें वन कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं टू कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक तीन ट्रिक लगता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किन्हीं भी आकृति को लेंगे इसमें से किसी भी दो आकृति को लेंगे उसमें वन कॉमन ट्रिक हम लोग लगा लेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ देखेंगे कि हम लोग इन दोनों आकृति को जब हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों आकृति को जब हम ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में दो चीज कॉमन है चलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे ट्रिक जो वन कॉमन ट्रिक लगेगा वो इन दोनों में लगेगा कैसे यहाँ भी चार कॉमन है यहाँ भी चार कॉमन है अच्छा हम वन कॉमन ट्रिक जानते हैं काहे है लगा रहे हैं वन कॉमन ट्रिक लगाने से ये फायदा होगा कि आंसर कन्फर्म आता है अब यहाँ पर जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग ऊपर और नीचे लिख लेते हैं अब देखो कॉमन नंबर के बाद पहली आकृति में चार है इसके कान पकड़ेंगे और क्लॉक डायरेक्शन में घूमेंगे तो चार के बाद में क्या आएगा एक आएगा उसके बाद दो आएगा ठीक है। दूसरी आकृति में भी सेम लॉजिक चार के बाद क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमेंगे तो चार के बाद में छ आएगा उसके बाद पांच आएगा चार के बाद में आएगा और उसके बाद में पांच आएगा ये बात को समझ रहे हैं आप लोग अच्छा ऐसा करने से ऐसा करने से जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आता है यही अपोजिट होता है एग्जाम्पल के तौर पर तौर पे दो का अपोजिट पांच हो गया और पांच का अपोजिट दो हो गया एक का अपोजिट छ हो गया छ का अपोजिट एक हो गया और कौन सा नंबर बचा जो नहीं दिख रहा है तो तीन बचा तो तीन हो जाएगा चार का विपरीत ठीक है और हम लोगों से पूछा गया है पांच के विपरीत संख्या ही बताना है तो पांच के विपरीत अभी हम लोगों ने क्या निकाला है दो दो का अपोजिट पांच और पांच का अपोजिट दो तो हमें बताना है पांच का अपोजिट दो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे बनाते हैं मेरे भाई ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन है कौन कौन सी सी उत्तर उत्तर आकृति आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर जो आएगा कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न को पूरा करेगी यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को यहाँ पर लगा दें कि ताकि ये आकृति कंप्लीट बन जाए देखो यहाँ पर सबसे पहले ई लाइन ऐसे रहेगा एक जो लाइन रहेगा वो यहां से लेकर यहाँ तक रहेगा ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ई बात को समझ रहे हैं आप लोग ई कोना से ई कोना सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा ठीक है एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा अब देखो ऐसा लाइन किस ऑप्शन में दिया है ऐसा लाइन जो है किस ऑप्शन में दिए है भाई ध्यान से देखेंगे ऐसा लाइन ये पूरा लाइन नहीं बनाया है इसीलिए ऑप्शन ए गलत यहाँ से ला दिया यहाँ तक इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत अच्छा मेरे भाई दो लाइन तो यहाँ पर घींचा गया बढ़िया है अब देखो जो एक लाइन है वो लाइन ऐसे आना चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन ऊपर की तरफ नहीं हो सकता इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत बचा क्या ऑप्शन डी बचा यही इसका राइट आंसर और फाइनली एक सर्किल यहां पर आ जाएगा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को आकृति को अगर यहां पर हम लगा दें तो हमारा आकृति ए कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। हमारे पास चार आकृति दी गई है सॉरी चार हमारे पास लेटर दिए गए इसमें से कौन अलग है यही बताना है देखेंगे ओ से एन बन रहा है अंग्रेजी बरमाला में ओ का स्थान पंद्रह होता है एन का चौदह होता है पंद्रह से चौदह बन रहा है माइनस वन हो रहा है एच से जी बन रहा है अंग्रेजी बरमाला में एच का स्थान होता है आठ जी का होता है सात आठ से सात बना माइनस वन अंग्रेजी बरमाला में एक्स होता है चौबीस पे डब्लू होता है तेईस पे माइनस वन हो रहा है और ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं अंग्रेजी बरमाला में डी होता है चार पे ई होता है पांच पे तो यहाँ प्लस का वन कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जानते हैं का है सारे में सारे ऑप्शन में पहले लेटर में से माइनस वन करने के बाद दूसरा लेटर बन रहा है, है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाकियों से अलग है ऑप्शन नंबर ए बाकियों से अलग है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है वह शब्द चुनिये जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है इसमें दो वैरायटी के प्रश्न होता है एक तो प्रश्न है कि बनाया जा सकता है और एक प्रश्न होता है कि नहीं बनाया जा सकता है तो ये जो प्रश्न है मेरे दोस्त वो बनाया जाने वाला प्रश्न है ध्यान से देखेंगे क्या है करके प्रयोग करके बनाया जा सकता है इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है देखो ये मूल शब्द में जो शब्द बनाया जाने वाला होगा ये मूल शब्द में जितना भी लेटर है इन्हीं लेटर का यूज करके वो ऑप्शन बन रहा होगा तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर में क्या है? ओ पी एन ऊपर में ओ है बिल्कुल है। ऊपर में पी है बिल्कुल है मेरे भाई ऊपर में कहीं भी ई e लेटर का यूज नहीं है और ऑप्शन नंबर में ई e लेटर है इसका मतलब फिक्स है कि इसको हम नहीं बना सकते चलिए ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी में ओ पी आई ऊपर में ओ है पी है आई है बिल्कुल यू मेरे भाई ऊपर भी कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं है तो इसमें यू लेटर है इसका मतलब इसको भी नहीं बना सकते चलिए ऑप्शन सी को चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या है ओ है पी है आई है उसके बाद एन है फिर से एक और आई है उसके बाद ओ है बिल्कुल और उसके बाद एन है एक यहाँ पर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बनाया जा सकता है ठीक है ठीके? और बाकी सब नहीं बनाया जा सकता है, C, बनाया जा सकता है। इसका राइट हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पर बनाया जा सकता है पूछा कि नहीं बनाया जा सकता है पूछा है ठीक है तो इस तरीके से मेरे दोस्त क्वेश्चन को बनाना होता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्या कहता है किसी निश्चित कुट भाषा में यदि पावर कट को टी आर ए एच वी एफ वाई डब्लू लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में ट्रैकिंग को कैसे लिखा जाएगा देखेंगे यहाँ पर क्या है पी है पी है उसके बाद में क्या है ओ है पी के बाद में ओ है डब्लू ई आर पावर उसके बाद सी यू टी है इसको उसने का लिखा है इसको उसने लिखा है टी टी लिखा है टी उसके बाद क्या है टी आर ए टी आर ए टी आर ए लिखा है टी आर ए उसके बाद में लिखा है एच भी एफ वाई यहां पर है डब्लू ठीक है ये बात को आप लोग समझ रहे हैं और हम लोगों से पूछा गया ट्रैकिंग ट्रैकिंग टी आर ए सी के आईएनजी ट्रैकिंग का कोड क्या होगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे कि लॉजिक का लगाया गया है ध्यान से देखेंगे इसमें हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या इसमें लॉजिक को लगाया गया है सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई यहाँ देखेंगे कि पीसीटी कैसे बना है पी कैसे बना है इसको देखेंगे हम पी से टी कैसे बना है पी का स्थान अंग्रेजी बरमाला में होता है सोलह टी का होता है बीस तो सोलह से बीस बना है प्लस का चार किया गया अच्छा ओ से आर कैसे बना है ओ का स्थान होता है पंद्रह आर का होता है अठारह तो पंद्रह से अठारह बना दिया प्लस का तीन किया गया उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्लू से ए कैसे बना है डब्लू से ए हम लोग देखेंगे कि कैसे बना है डब्लू का स्थान तेईस होता है ए का स्थान एक होता है तो तेईस से एक बना प्लस का चार किया गया E से एच बना ई e का स्थान पाँच होता है एच का आठ होता है पाँच से आठ बना प्लस का तीन किया गया आर से भी देखेंगे आर का स्थान अठारह होता है भी का बाईस होता है अठारह से बाईस बना प्लस का चार किया गया सी से एफ बना सी का स्थान तीन होता है एफ का स्थान छ होता है तीन से छ बना प्लस का तीन हुआ व एम यूं से y बना यूं का स्थान 21y का 25 प्लस का यहाँ भी चार हुआ T से W यहाँ प्लस का तीन हुआ ये बात को समझ रहे हैं आप लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग इसको समझ रहे हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है पहले प्लस का चार फिर प्लस का तीन फिर प्लस का चार फिर प्लस का तीन फिर प्लस का चार फिर प्लस का तीन फिर प्लस का चार फिर प्लस का तीन ऐसे किया गया है तो यहाँ पर देखेंगे टी का स्थान बीस होता है देखो इसमें पहले प्लस चार होगा और इसमें प्लस तीन होगा इसमें प्लस चार होगा और इसमें प्लस का तीन होगा तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई सी में प्लस का तीन होगा यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि टी का स्थान अंग्रेजी बार में बीस होता है बीस में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस और चौबीसवें स्थान पे लेटर जो होता है मेरे भाई एक्स होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक्स से शुरू नहीं है ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक्स से शुरू नहीं है अब देखेंगे यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे देखो ध्यान से देखो यहाँ पर आर का स्थान होता है अठारह अठारह में तीन को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इक्कीस इक्कीसवें नंबर पर लेटर होता है यू तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा एक्स और यू एक्स के बाद भी नहीं आ सकता इसीलिए सी गलत बच्चा क्या ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमें पूरा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हम पूरा काहे बनाएंगे हम अपना टाइम वेस्ट काहे करेंगे ठीक है तो एक्स यू से शुरू होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम बता भी देते हैं आपको सिखाना ही ना है बिल्कुल एक का स्थान होता है कितना एक एक में चार जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा पाँचवें स्थान पर लेटर ई होता है सी का स्थान कितना होता है तीन होता है तीन में तीन जोड़ेंगे तो छ हो जाएगा छठवा लेटर होता है एफ ठीक है और देखेंगे फिर से में प्लस चार होगा आई में प्लस तीन होगा एन में प्लस चार होगा और जी में प्लस तीन होगा ठीक है देखेंगे के का स्थान कितना होता है भाई के का स्थान जो होता है वो कितना होता है के का स्थान होता है ग्यारह ग्यारह में चार को जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रहवें स्थान पर लेटर होता है ओ आई का स्थान नौ नौ में तीन जोड़ेंगे बारह बारहवें स्थान पर लेटर एल एन ले, का स्थान चौदह चौदह में चार जोड़ेंगे अठारह अठारहवें लेटर अठारहवें स्थान पर जो लेटर होता है आर होता है जी का स्थान सात में तीन जोड़ेंगे दस दसवें स्थान पर लेटर जे होता है तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी लेकिन हम ऐसा नहीं करते हम जब दो लेटर से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं तो हम पूरा काहे बनाएंगे हम अपना टाइम काहे ज्ञान करेंगे ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह क्या है रोशनी उत्तर की तरफ पंद्रह किलोमीटर जलती है फिर वह दाएं मुड़कर बीस किलोमीटर जाती है फिर दोबारा दाई और मुड़कर दस किलोमीटर चलती है फिर दोबारा दाई और मुड़कर बीस किलोमीटर चलती है तो रोशनी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है सबसे पहले यहाँ पर एक डायरेक्शन थोड़ा सा आपको हिंट सिखा देते हैं जब पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ऊपर में उत्तर होता है नीचे में दक्षिण होता है आ दहने बगल में पूर्व होता है बाएं बगल में पश्चिम होता है अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं क्वेश्चन कह रहा है रोशनी उत्तर की तरफ पंद्रह किलोमीटर चलती है जो रोशनी है वो उत्तर की तरफ कितना चलती है पंद्रह किलोमीटर चलती है बहुत बढ़िया फिर दाई और मुड़कर बीस किलोमीटर चलती है अब बताइए इसका दाया किस साइड में हो जाएगा यहाँ पर हम बनाते हैं देखो यहाँ पर जाएगी पंद्रह किलोमीटर उसके बाद फिर से दाई और मूर्ति है अब बीस किलोमीटर जाती है इसका दाया हो जाएगा इस साइड में बिल्कुल दाई और मुड़ता है अब कितना जाता है बीस किलोमीटर तो बीस आ जाएगा अब देखो फिर दोबारा दाई और मुड़ती है अब दस किलोमीटर चलती है फिर से दोबारा दाएँ और मुड़ती है और दस किलोमीटर चलती है उसका दाया अब नीचे की तरफ होगा नीचे की ओर जाती है और कितना जाती है दस किलोमीटर जाती है ठीक है ना फिर दोबारा दाई और मुड़ती है अब बीस किलोमीटर जाती है अब देखो जब कोई व्यक्ति नीचे यानी दक्षिण की तरफ जा रहा होता है तो उसका दाया जो होता है वो हमारा बाया होता है इस साइड में और इस साइड में मुड़कर कितना जाती है बीस किलोमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीस किलोमीटर ऊपर है ना इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बीस किलोमीटर हमने बराबर दूरी ही बनाया है ठीक है इस पॉइंट को आप लोग तो समझ गए हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना बीस किलोमीटर चली अब बताओ क्वेश्चन पूछ रहे रोशनी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है रोशनी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है रोशनी यहां से चलना शुरू किया था अभी फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है तो इन दोनों के जो बीच में दूरी है यही हम लोगों से पूछा गया है. तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है कैसे हम सभी लोग जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितना है पंद्रह अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितना है दस तो यहाँ से लेकर यहाँ भी दस होगा यहाँ से लेकर यहाँ भी तो दस होगा बिल्कुल टोटल है पंद्रह यहाँ से ऊपर दस निकल गया यहाँ कितना बचेगा पांच बचेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांच मीटर ऑप्शन नंबर ए कैसे बनाए हैं इसको तो आप जरूर समझे होंगे मेरे भाई ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करिए हमारे पास एक लेटर सीरीज दी हुई है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है खाली स्थान इसके जगह पे बताना है कि कौन सा सही होगा यहाँ देखें क्या है ए उसके बाद में डब्लू है ए डब्ल्यू उसके बाद में क्या है ई e, और यू है उसके बाद में क्या है आई और एस है उसके बाद में क्या है एम और क्यू है और उसके बाद में है खाली खाली स्थान अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा सबसे पहले यहाँ हम लोग लॉजिक इसमें क्या ढूंढेंगे पहला लेटर से ए से ई कई से बना ए का स्थान अंग्रेजी बरमाला में एक होता है ई का पाँच होता है तो यहाँ प्लस का चार किया गया है E से देखेंगे आई यहाँ पर ई e का स्थान पांच होता है आई का नौ होता है यहाँ भी प्लस का चार किया गया है ई बात समझ रहे हैं अच्छा आई से देखेंगे एम एम का स्थान तेरह आई का नौ यहाँ भी प्लस का चार किया गया है तो उसी प्रकार एम में भी प्लस का हम लोग चार करेंगे एम में क्या करेंगे हम लोग प्लस का चार करेंगे एम का स्थान अंग्रेजी बर्माला में होता है तेरह तेरह में चार को जोड़ेंगे सत्रह और सत्रहवा जो लेटर होता है मेरे भाई क्यों होता है, है तो यहाँ पर क्यों आएगा तो ऑप्शन नंबर डी गलती हो जाएगा जानते हैं काहे क्योंकि ओ से शुरू है ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा क्योंकि टी से शुरू है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है सेकेंड लेटर सेकेंड लेटर क्या है डब्लू से देखेंगे कि यूं कैसे बना है डब्लू कैसे यू कैसे बना डब्लू का जो स्थान है मेरे भाई डब्लू का जो आस्थान है जानते हैं क्या है डब्लू का जो आस्थान है मेरे दोस्त वो है तेईस यू का स्थान क्या है इक्कीस तो तेईस से इक्कीस बना है तेईस से इक्कीस बना है माइनस का दो समझ रहे हैं तेईस में से इक्कीस तेईस में से दो घटाएंगे तो इक्कीस बनेगा अब हम देखेंगे कि यूं से एस कैसे बना? यूं का स्थान एस, एस का स्थान उन्नीस तो इक्कीस से उन्नीस बनाया गया है माइनस कितना दो यहां देखेंगे एस से क्यों? एस का स्थान उन्नीस क्यों का सत्रह यहां भी माइनस का दो समझ रहे हैं उसी प्रकार क्यों में से माइनस कर दो कर देंगी क्यों का स्थान कितना होता है सत्रह में से दो जाएगा पंद्रह अब पंद्रह में जो लेटर होता है मेरे भाई ओ ओ होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्यों और ओ क्यू और ओ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ठीक है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद